भाई इस समय महिंद्रा कोई अलग ही दुनिया में चल रहा है। कभी थार रॉक्स और अब 2024 बोलेरो को लॉन्च करने वाली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, कुछ दिनों में महिंद्रा बोलेरो 2024 लॉन्च होने वाली है। भारतीय ग्राहक इस गाड़ी का नया रूप देखने के लिए काफी इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ समय में अब इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि महिंद्रा थार रॉक्स के लॉन्च की बात अब इसका लॉन्च भी होने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 से 3 महीने में इस शानदार फेस्टिव सीजन में करीब दिवाली तक इस गाड़ी का लॉन्च किया जा सकता है। और ये खबर सामने आ रही है कि ये गाड़ी 2 से 3 वेरिएंट्स में लॉन्च की जाएगी, बेस वेरिएंट, मिड वेरिएंट, टॉप वेरिएंट। इस गाड़ी को ऑलराउंडर कार बनाया है, जैसे ये एक फैमिली कार भी है और इसमें 4x4 ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे ये गाड़ी ऑफ रोडिंग करने की भी क्षमता रखेगी। बात करें इस गाड़ी के इंजन की तो 4x4 से लेस जबरदस्त हाई परफॉर्मेंस इंजन देखने को मिलेगा, जो कि हाई पावर तो देगा ही सही और जबरदस्त माइलेज देने की भी क्षमता रखेगा। बात करें इसके तीनों वेरिएंट्स के प्राइस की तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बेस वेरिएंट का प्राइस करीब 7 से 8 लाख रुपए तक के बीच में आ सकता है, मिड वेरिएंट का प्राइस करीब 10 से 11 लाख रुपए तक आ सकता है और फुली टॉप मॉडल का प्राइस करीब 13 से 14 लाख के मिड में आ सकता है। बात करें महिंद्रा 2024 बोलेरो के डिजाइन की तो महिंद्रा बोलेरो आती है नए मस्कुलर डिजाइन के साथ लॉन्च करी जाएगी। बात करें गाड़ी के फ्रंट की तो महिंद्रा का न्यू 7 स्लॉट सिग्नेचर टोन ग्रिल, डुअल टोन LED प्रोजेक्टर एंड LED फॉग लैंप्स और डुअल टोन मस्कुलर फ्रंट बम्पर देखने को मिलेगा, जो कि गाड़ी को फ्रंट से काफी मस्कुलर लुक देगा। इसका बम्पर फुली मेटलिस्टिक आता है। अब आते हैं रियर की तरफ, तो रियर साइड में आपको ग्लॉसी ब्लैक स्पेयर व्हील और महिंद्रा बोलेरो क्रोम बेजिंग के साथ मिल जाता है। आते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ तो 17 से 19 इंचेस के अलॉय मिल जाते हैं और ऑटोमेटिक एडजस्टेबल ORVMs देखने को मिल जाते हैं। ये गाड़ी डुअल टोन कलर्स ऑप्शन, स्पोर्टी ग्राफिक्स, भाई ये गाड़ी स्कॉर्पियो, महिंद्रा थार, थार रॉक्स जैसी गाड़ियों को टक्कर देने वाली गाड़ी है। अब महिंद्रा बोलेरो के इंटीरियर की तरफ आते हैं तो ऑटोमेटिक एडजस्टेबल सीट्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये 8-सीटर गाड़ी है, इसमें आपको मल्टी पावर स्टीयरिंग व्हील्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और 10.25 इंच की 2 डिस्प्लेस देखने को मिल जाती हैं, जिससे ये गाड़ी काफी प्रीमियम भी लगती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्ट करता है एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC और सबसे मेन जो आपको खुश कर सकती है वो है सनरूफ, इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा सेफ्टी वाइज भी गाड़ी में काफी ध्यान दिया गया है, इसमें आपको 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, अडास 2.2, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, कीलेस एंट्री और बहुत सारे हाईटेक इंटीरियर फीचर्स देखने को मिलेंगे। करें तो ये गाड़ी पेट्रोल एंड डीजल दोनों में ही लॉन्च करी जाएगी, इसमें आपको 180 BHP की पावर और 250 Nm का टॉर्क देखने को मिल सकता है। और बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में आपको CNG वेरिएंट भी आ सकता है, जो कि 30 से 35 किलोमीटर पर KG का माइलेज आराम से निकाल सकेगा। ओवरऑल गाड़ी का रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छा होने वाला है। गाड़ी मुझे तो काफी पसंद आई और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना आपको गाड़ी कैसी लगी, और ये लॉन्च हो तो आप महिंद्रा बोलेरो 2024 को लेना पसंद करेंगे या नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।